तो सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट आपको ओपन करके इस वाले बैकग्राउंड को इधर ऐड कर लेना है। तो उसके पहले आपको इसे डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक मैं दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उधर से जाके आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हो। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करते एडवर्ड वाला का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर जाना होगा। बाद इधर टोटल है इधर 10 इमेजेस, ठीक है, ये जो बॉक्स हम लोग को दिख रहा है ब्लैंक सा, इधर टोटल 10 इमेजेस है। आपको एक एक करके गैलरी से ऐड करना है और ऐड करके इस तरह से सेव करते जाना है, ठीक है। तो मैंने इसे बहुत ही जल्दबाजी से कंप्लीट कर लिया, आप लोग इसको धीरे से एकदम अच्छे से करना। फिर आपको दोबारा से एडवर्ड के अंदर जाना है और गैलरी से आपको अपना जो मॉडल रहेगा उसे इधर ऐड कर लेना है। ऐड करते ही इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेना, ठीक है, इस वाले ऑप्शन से, ठीक है, जितना हो सके क्रॉप कर लेना। उसके बाद आपको इसको जाना है इधर से कार्ट आउट वाला ऑप्शन पे, और पहला वाला जो ऑप्शन है पर्सन, इस पे आपको टैप कर देना है। तो ये क्या करते हैं, ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट कर लेता है ऑब्जेक्ट को और इसको निकाल देता है। तो देख सकते हो ये हाथों के बीच थोड़ा बहुत इधर रह गया है, इसको मैं इधर से हटा देता हूँ इरेज वाला ऑप्शन से, ठीक है। नेक्स्ट आपको जाना है इसका सेट वाला ऑप्शन पे, ठीक है। तो इस पे आने के बाद इसका जो एडजस्ट पे सेकंड वाला ऑप्शन रहेगा इसको आपको इसके बराबर कर देना है, ठीक है, पहले वाला ऑप्शन के साथ, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है पोजीशन वाला ऑप्शन पे और पहले वाला ऑप्शन को आपको बढ़ा लेना है इधर 124 तक, और नेक्स्ट वाला ऑप्शन को आपको थोड़ा सा इधर से डिक्रीज कर देना है, तो 102 रख लेते इधर, ठीक है, फिर ऐसे डन। तो इसके साथ साथ ही एडिटिंग इधर कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।